हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक करने वाले हैं, दिस इज रिडम्पशन डिबेंचर का एक मेथड है आपका, दैट इज कन्वर्जन मेथड। बच्चों को इनकी एंट्री में काफी दिक्कत आती है, तो मैंने इसके लिए एक सिंपल सिस्टम बनाया है, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की है, आप उसको समझिए, आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। ओके, देखिए क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपका कन्वर्जन का जो अपन कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले अपन करेंगे रिडम्पशन ड्यू। क्या? रिडम्पशन ड्यू। तो रिडम्पशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो पार पर और या प्रीमियम पर। एंट्री क्या होगी देखिए, अगर हम एट पार रिडम्पशन कर रहे हैं तो एंट्री होगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। डिवेंचर को डेबिट क्यों किया? डिवेंचर हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी को डेबिट करने से लायबिलिटी क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है, और हम डिवेंचर का रिडम्पशन कर रहे हैं तो कैंसिल ही करना है। पार पे कर रहे हैं इसलिए यहां कितना रुपए आएगा? 100 रुपए। सर डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट क्यों किया? डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट करके हमने उसको अपना क्रेडिटर बना लिया, वो हमारी लायबिलिटी बन गया, और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं क्रेडिट द गिवर, उसने हमें डिबेंचर दिए। ये रिडम्पशन आप एट प्रीमियम भी तो कर सकते थे, तो क्या एंट्री होगी देखो, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट 10 रुपी प्रीमियम पे कर रहे हैं टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट कितने से किया? 110 से, क्योंकि अब हमको डिबेंचर होल्डर को कितने रुपए देने हैं? 110। अब उसको लायबिलिटी बना दिया 110 से। तो एक तो ये एंट्री स्टेप वन है, ये स्टेप वन है। इन दोनों में से कोई एक एंट्री होगी भाई, या तो आप रिडम्पशन पार पे करोगे और या किस पे करोगे? प्रीमियम पे करोगे, दोनों पे तो नहीं कर सकते, सही है। नेक्स्ट स्टेप आपके रिडम्पशन ड्यू, ये स्टेप वन के बाद स्टेप टू है आपकी, वो है कन्वर्जन की। वो किसकी है? कन्वर्जन की। अब आप कन्वर्जन कर रहे हैं, अब देखो जब आप कन्वर्जन करेंगे तो ये जो डिबेंचर होल्डर जो क्रेडिट हुआ है, इसको आप क्या देंगे? नए इक्विटी शेयर देंगे। हो सकता है आप एट पार दें। किसको दे रहे हैं? डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, पहले क्रेडिट किया था अब डेबिट कर दिया। और क्या दे रहे हैं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये लो जी, हमने इक्विटी शेयर दे दिए पार पर। ऐसे हम प्रीमियम पे भी तो दे सकते हैं, वही एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और वो प्रीमियम पे दे रहे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये लो जी, ये हमने प्रीमियम पे भी दे दिया। ऐसा हम डिस्काउंट पे भी तो दे सकते हैं, ये और है ना, आपको ये एक एंट्री करेंगे। लेकिन डिस्काउंट पे इक्विटी शेयर इशू हो नहीं सकते, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। अब मैं डिबेंचर ले तो कि नए डिबेंचर हाई इंटरेस्ट रेट के, वो पुरानी इंटरेस्ट रेट के थे, हाई इंटरेस्ट रेट के हम डिबेंचर दे रहे हैं। किनको? डिबेंचर होल्डर को। एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू जो भी परसेंटेज रेट है डिबेंचर अकाउंट, सही है। तो इस कंडीशन में आपने एट पार भी इशू कर दिया, एट प्रीमियम भी इशू कर दिया, डिस्काउंट डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू हो सकते हैं, शेयर इशू नहीं हो सकते। इन सभी कंडीशन में हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ शेयर या डिबेंचर कैलकुलेट करने हो, तो नंबर ऑफ शेयर का भी फॉर्मूला आपको लिखा देता हूं। नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने हो, पहले भी आप कर चुके हैं, क्या? अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, इससे आपके नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे। अमाउंट टू बी पेड का मतलब जितना आपने डिबेंचर होल्डर में लिखा वो अमाउंट आपका यहां आएगा। डिबेंचर होल्डर को जितना भी अमाउंट पेड करना वो अमाउंट टू बी पेड है। इशू प्राइस तो देखो 100 रुपी भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, जो भी प्राइस होगी वो आप यहां लिख देना, आपके नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे, सही है, क्लियर है। तो अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम ले रहे हैं डीके गोयल का एग्जाम्पल नंबर 28। इसमें दो तीन तरीकों से आपको क्वेश्चन करके बताया गया, देखते हैं अपन। ए लिमिटेड रिडीम्ड 4012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच बाय कन्वर्टिंग देम इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। देखो इससे सेंटेंस को पूरा ना पढ़ के हम टुकड़ों में पढ़ते हैं, पार्ट में पढ़ते हैं, हमारे ज्यादा आसान रहेगा। ए लिमिटेड रिडीम 4000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 4000 डिबेंचर 100 ईच में ही ले रहा है, पार्ट पे ले रहा है, तो 4000 डिबेंचर है
और 100 रुपए का एक, तो टोटल डिबेंचर हो गए 4 लाख के, एंट्री हो जाएगी डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, चेक कर लो। अब उनको हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं 10 ईच का, वो भी पार पे, तो इक्विटी शेयर ये दे रहे हैं, तो 4 लाख के डिबेंचर हैं, होल्डर हैं, उनको 4 लाख के इक्विटी शेयर दे दो। तो सेकंड एंट्री चेक कर लो, होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखते हैं, बी लिमिटेड रिडीम 1214% डिबेंचर ऑफ 500 ईच बाय कन्वर्टिंग देम, उनको प्रेफरेंस शेयर हम दे रहे हैं ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2। तो रिडम्पशन तो पार पे ही है, तो रिडम्पशन तो पार पे ही है। क्या कह रहा है, 1200 डिबेंचर है 500 का एक, ये 1200 डिबेंचर है और 500 का एक है, तो 1200 डिबेंचर 500 का एक होता है, तो ये आपका हो जाता है 6 लाख। तो एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 6 लाख। अब हम उनको क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, तो मैं इक्विटी शेयर की जगह क्या कर देता हूं, प्रेफरेंस शेयर कर देता हूं। केवल फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, प्रेफरेंस शेयर हम दे रहे हैं इनको और वो दे रहे हैं 2 रुपए प्रीमियम पे। इस कारण से हमको नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो अमाउंट टू बी पेड कितना है, डिबेंचर होल्डर को कितने रुपए देने हैं, 6 लाख, जो कि हमने यहां से लिए 6 लाख डिवाइड बाय इश्यू प्राइस, और इशू प्राइस है 10 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है और आपको लिखा है 2 रुपए प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है, तो यहां आ जाएगा 10 + 2 दैट इज 12, तो 6 लाख डिवाइड बाय 12 दैट इज 50,000। आपको 50,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो मैंने यहां लिखा 50,000, ये वहां से निकला है। एक प्रेफरेंस शेयर कितने का, 10 का, उस पर प्रीमियम कितने का, 2 का, इसलिए तो 12 हुआ, तो 50,000 × 10 दैट इज 5 लाख एंड 50,000 × 2 दैट इज 1 लाख। तो इस तरीके से आपने इसका सेकंड केस भी सॉल्व कर लिया, रिडम्पशन पार पे किया और इश्यू जो किया कन्वर्जन के लिए प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया प्रीमियम पर, सही है। नाउ थर्ड कंडीशन देखते हैं, कैदर रिडीम 5300 डिवेंचर ऑफ 100 ईच बाय कन्वर्टिंग देम इनटू न्यू 15% डिवेंचर, और आपके नए डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं वो भी प्रीमियम पे, तो देखें नई डिजिट आ गई आपकी, और प्रीमियम पे इश्यू किया तो यही लेना पड़ेगा, और डिवेंचर इश्यू किए तो मैं यहां डिवेंचर लिखूंगा, तो कौन से डिवेंचर इश्यू किए, 15%। देखें 5300 डिबेंचर है, 100 का एक है, तो ये आपका हो गया 5,30,000। पहली एंट्री होगी डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर 5,30,000, तो डिबेंचर होल्डर को कितने रुपए देने, 5,30,000, ठीक। ये खुद डिबेंचर थे 10% डिबेंचर, तो आप आगे लिख सकते हो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और नए हमको दे रहे हैं हाई रेट के दे रहे हैं 15% के दे रहे हैं, और 100 रुपए का डिबेंचर है 6 रुपए प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो देखो रुपए कितने देने अपन को, यहां देखें 530 और 6 रुपए प्रीमियम पे दे रहे हैं 106, तो 5,30,000 डिवाइड बाय 106 ये आपका आ गया 5,000 डिबेंचर हम दे रहे हैं। तो हम 5,000 डिबेंचर दे रहे हैं, एक डिबेंचर है 100 का, उस पर प्रीमियम है 6 रुपए का, 6 रुपीज, 5,000 × 100 दैट इज 5 लाख एंड 5,000 × 6 दैट इज 30,000। तो इस तरीके से ये आपका थर्ड एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हो गया, डिबेंचर का रिडम्पशन पार पे हुआ है और नए जो डिबेंचर इश्यू हैं वो किस पर हुए हैं, वो प्रीमियम पर हुए हैं, सही है। आगे चलते हैं, अब हम इसके लिए एग्जांपल नंबर 35 लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इन द फॉलोइंग केसेस फॉर द रिडम्पशन ऑफ 1012% डिबेंचर ऑफ 10 ईच इश्यूड एट पार। हमने इश्यू पार पे किए थे और ये 1000 डिबेंचर है और ये आप खरीद रहे हैं, तो देखें क्या करना है। एक ऐसा है डिबेंचर रिडीम्ड एट पार बाय कन्वर्जन इनटू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, ठीक है। डिबेंचर थे 1000 डिबेंचर थे और 10 रुपए का एक था, ठीक है, 1000 डिबेंचर है, 10 रुपए का एक है, ये हो गए 10,000 के डिबेंचर। पहली एंट्री होगी डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है। दूसरे में इन्होंने प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दिया, इक्विटी की जगह क्या इश्यू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर, सही है। तो कितने के इश्यू करेंगे, ऑब्वियस है 10,000 के देने, तो 10,000 के इश्यू कर दो। तो दो एंट्रीज हो गई, पार पे ही तो रिडम्पशन और पार पे ही आपका क्या कन्वर्जन, दोनों कंडीशन आपकी उसी हिसाब से हो गई, ठीक है। नेक्स्ट केस लिया, डिबेंचर रिडीम रेट प्रीमियम ऑफ 10%, आपके डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, तो आपके ये वाली एंट्री नहीं होगी, सही है।
कितने डिबेंचर है? 1,000 डिबेंचर है, 10 रुपए का एक, तो ये हो गया 10,000। कितने प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है? 10%, 10 का 10% होता है 1 रुपए, 1,000 × 1, 1,000 रुपए प्रीमियम पे रिडम्पशन किया, तो डिबेंचर होल्डर को टोटल रुपया कितना देना है? 11,000। ये देखो हमने डिबेंचर का रिडम्पशन किस पे किया है? प्रीमियम पे किया है, ठीक है, 11,000 रुपए देने। वो कैसे दिए? वो इक्विटी शेयर इशू कर दिए, कन्वर्जन इंटू इक्विटी शेयर ऑफ एट पार, हमने उनको इक्विटी शेयर इशू कर दिए। तो अब क्या इशू किया? इक्विटी शेयर, और पार पे इशू किया तो 11,000 देने थे, 11,000 के दे दो, ये लो पार पे कन्वर्जन हो गया। तो रिडम्पशन प्रीमियम पे हुआ, जो नया इश्यू हुआ वो पार पे हुआ, ठीक है। ये बी केस भी हो गया। सी केस देखें, वो भी कह रहे हैं डिबेंचर रिडीम रेट प्रीमियम ऑफ 10%, तो हो गया 10,000 + 1, 11,000 बाय कन्वर्जन इंटू इक्विटी शेयर। अब के इक्विटी शेयर दे रहे हैं और वो भी प्रीमियम पर, यहां इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा और प्रीमियम पे दे रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो डिबेंचर होल्डर को कितने रुपए देने? 11,000। तो अमाउंट टू बी पेड जो है वो है 11,000। इशू प्राइस लिखा है इक्विटी शेयर देंगे और 25% प्रीमियम पे देंगे। अब आप इक्विटी शेयर कितने का मानते हैं? 10 का मान लो, तो 10 रुपए प्रीमियम है, 10 रुपए का शेयर है और 25% प्रीमियम यानी 2.5, तो ये 12.5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका जो है वो आपका आ जाएगा 880 आ जाएगा, ये आपका सही है 880 इक्विटी शेयर आ जाएंगे आपके। तो आप 880 इक्विटी शेयर देना चाहते हैं और एक शेयर है 10 का, 880 × 10 = 8,800 और प्रीमियम कितने का? 2.5 का, 880 × 2.5 = 2,200। तो ये आपने रिडम्पशन प्रीमियम पे किया और नए इक्विटी शेयर जो दिए वो भी किस पे दिए? प्रीमियम पे दिए, सही है। एक एग्जांपल नंबर 34 है, उसको भी अपन देख लें। ये डिबेंचर रिडम्पशन का है, प्रीमियम पर है। देखें एग्जांपल नंबर 34। एग्जांपल नंबर 34 में आपको कहा गया है कि डिबेंचर का जो रिडम्पशन है वो प्रीमियम पे करना है। लिखा है एक्स लिमिटेड हैव एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 30,000 डिबेंचर ऑफ 200 ईच ऑन मार्च, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। एज पर द टर्म ऑफ द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिडीम 50% डिबेंचर, यानी पूरे 30,000 डिबेंचर रिडीम नहीं करने, आधे यानी 15,000 ही रिडीम करने, और उसके बदले में हम उनको इक्विटी शेयर देंगे और वो 20% प्रीमियम पे देंगे, यानी रिडम्पशन भी प्रीमियम पर और कन्वर्जन भी प्रीमियम पर। तो हम कितने डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं? 50%, 30,000 का 50% होता है 15,000, 15,000 डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं। एक डिबेंचर कितने का है? 200 का, तो डिबेंचर हो गए 30 लाख के। और आप इनका रिडम्पशन जो कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन में लिखा है रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, 200 का 10% होता है 20, तो 15,000 × 20 ये आपके हो गए 3 लाख। तो टोटल डिबेंचर होल्डर को कितने रुपए देने? 33 लाख, 33 लाख डिबेंचर होल्डर को देने, और उसके लिए आप उसे क्या दे रहे हो? शेयर्स दे रहे हो प्रीमियम पर, तो 33 लाख का पेमेंट करना है। तो अमाउंट टू बी पेड कितना है? 33 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस है 20% प्रीमियम, तो 10 रुपए का शेयर है और 2 रुपए प्रीमियम, 20% प्रीमियम हो गया, तो 33 लाख डिवाइड बाय आपका 12 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2,75,000 शेयर आप इशू करोगे, सही है। तो 2,75,000 शेयर आपको इशू करने, एक शेयर 10 का है, उनको इक्विटी शेयर जो दे रहे हैं सॉरी वो 100 का दे रहे हैं, तो ये 100 + 20 हो जाएगा 120, 20% प्रीमियम है, और ये आपका आ जाएगा 27,500 शेयर। एक शेयर कितने का है? 100 का, तो 27,500 × 100 27,50,000 इतने के इक्विटी शेयर, और प्रीमियम 20% यानी 20 रुपए, 27,500 × 20 = 5,50,000। तो आप देख रहे थे कैसा भी केस आ जाए, हम देख रहे हैं कि यही दोनों स्टेप हो रही है, एक स्टेप यहां से और एक स्टेप यहां से, स्टेप नंबर 1 यहां, स्टेप नंबर 2 यहां। तो इस तरीके से ये सारी कंडीशन जो है वो आपकी सॉल्व होती है। ओके, थैंक यू।